दमोह मार्ग पर गढ़ा कोटा के पास मंगलवार को तड़के बनारस से इंदौर जा रही एक बस ट्राले से टकरा गई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। बनारस से इंदौर जा रही एक बस पीछे से ट्रॉले में जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और ड्राइवर आंकलन ही नहीं कर पाया कि भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक दर्जन लोगों को सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेज दिया गया। बस बनारस से इंदौर जा रही थी, जो गढ़ा कोटा के पास बरखेरा तिगड्डा पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रॉले में जा टकराई। हादसे में बनारस से सूरत जा रहे मक्खन यादव सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। मक्खन यादव के भाई विंध्यांचल यादव ने बताया कि वे मजदूरी करने के लिए बनारस से सूरत जा रहे थे। रास्ते में अचानक हादसा हो गया। वहीं हादसे में घायल ड्राइवर सहित अन्य दर्जन भर लोगों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भेज दिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।